हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आज आपका स्वागत करता हूँ द किचन स्टूडियो में। द किचन स्टूडियो मेरे तीन सबसे पसंदीदा शौकों का अमलगमेशन है, यानी मिश्रण रूप। ये तीन शौक हैं गाने सुनने सुनाना, खाना बनाना और बातें करना दोस्तों से, घर वालों से, आप लोगों से। तो इस शो को शुरू करने के पीछे का जो वाक्या है वो कुछ ऐसे है कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी निगेटिविटियों से घिरा हुआ था। लाइफ में अप्स डाउन्स लगे रहते हैं, ऐसे में अपने पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे पॉजिटिविटी मिलती है मेरे हॉबीज़ से, और उन्हीं हॉबीज़ में टॉप पे ही हैं खाना बनाना, गाने सुनने सुनाना जैसा मैंने बताया, और बातें करना लोगों से। इन तीनों को क्लब करके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ द किचन स्टूडियो। इस शो में हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग टॉपिक उठाएं, उनके बारे में बातें करें, उनसे जुड़े उसी थीम के गाने सुने सुनाएं, और एक कुछ सिमिलर सी रेसिपी या फिर सिंपल खाने की बात। बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये पहल आपको पसंद आएगी। तो आज इस शो का पहला एपिसोड है और इसका टाइटल है आज फिर जीने की तमन्ना है।
आज फिर जीने की तमन्ना है, ये तो समझ आता है, लेकिन आज फिर मरने का इरादा है। भला मरने के इरादे में कौन सी पॉजिटिव बात हो सकती है? लेकिन मेरा एक अलग इंटरप्रिटेशन है इसको लेकर। मैं नहीं जानता ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं, लेकिन मैं इसे सही मानता हूँ। मेरे फेसबुक प्रोफाइल के कवर पेज पे एक फ़ोटो बहुत दिनों से लगी हुई है, चर्चित टीवी शो ब्रेकिंग बैड के ब्रायन क्रेस्टन की फ़ोटो है, और साथ में कैप्शन लिखा हुआ है, फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू, लेट इट किल यू। लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, लेट इट किल यू, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? तो घुट घुट के जीने से बेहतर है कि आप वो करते हुए मरे जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप जीवन भर पसंद करते हैं, करना चाहते हैं। गाइड फिल्म के इस गाने में नलिनी के किरदार ने भी तो यही किया, उसने रोजी से नलिनी तक का सफ़र इसी गाने के बाद तय किया। उसने पुराने बंधनों को छोड़ के कल के अंधेरों से निकल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की, जीने की तमन्ना के साथ मरने का इरादा लिया। लीजिए, कुकर की सीटी ने इंटरप्ट कर ही दिया। अब जब शो का नाम द किचन स्टूडियो है तो फिर कुकर की सीटी का बजना तो लाजमी है, लेकिन आज की रेसिपी जो है उसे हम अगले गाने के बाद कवर करेंगे। अभी बात करते हैं नलिनी के बारे में। नलिनी की ये फिलॉसफी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, यही हमारे अगले गाने में भी झलकती है, जो कि है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। निसार यानी कि कुर्बान हो जाना, किसी की मुस्कुराहटों पर कुर्बान हो जाना, जान दे देना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Thank you.
के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, है ना? कहेगा फूल हर कली से बार बार। फूल के जीवन की रवानगी ही यही है कि वो खिल के दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर के, हवाओं में खुशबू बिखेर के, और फिर मुरझा जाता है, मर जाता है, और आने वाली हर कली के लिए वो एक मिसाल बन जाता है फूल बनने की। यही तो जिंदगी का भी फलसफा है कि किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अच्छा, तो फिर अब आज की रेसिपी पर आते हैं। आज की रेसिपी है सिंपल सी तहरी। तहरी कुछ लोगों को सुनने में ये हैप्पी फूड लगता है, कुछ को बहुत ही सैड फूड भी लगता है। नेचर ही इसका ऐसा है मिजाज, कभी खाने में बहुत अच्छी लगती है तो कभी बहुत बोरियत भरी हो जाती है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इंग्रेडिएंट्स। तो मैं आज इसकी कोई रेसिपी नहीं बताने जा रहा। तहरी की रेसिपी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जिसने भी किचन में कदम रखा होगा उसे ये सिंपल रेसिपी बनानी बिल्कुल आती होगी। कारण है, इसके जैसी सर्वग्राह रेसिपी शायद ही कोई हो, इतनी फ्लेक्सिबल, जो भी इंग्रेडिएंट हो उसे अपने आप में समाहित करने वाली। प्राइम इंग्रेडिएंट तो चावल ही है, उसके अलावा जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं आप उसे डाल सकते हैं। ज़्यादातर सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, चने, सोयाबीन, गाजर, मूली, एनीथिंग। इस तहरी की भी फिलॉसफी ज़िंदगी जैसी ही है, जो भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करते हुए चलिए। हाँ, लेकिन अचार नाम का इंग्रेडिएंट अगर मिल जाए तो बात ही कुछ और है, खाने का मज़ा ही बढ़ जाता है। ऐसे में ज़िंदगी में जैसे तहरी में अचार है, वैसे ही ज़िंदगी में खुशी है, हैप्पीनेस, वो जिंदा दिली अगर वो साथ में है तो रेसिपी चाहे जैसे बने टेस्टी ज़रूर बनेगी, अच्छा ज़रूर लगेगा, बिल्कुल इस गाने की तरह। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। ये जीवन है, न सोचो इसमें अपनी हार है के जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है के जीत है, उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से,
सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से, दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन है ये जीवन है, इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है यही है यही है छाव धूप, ये जीवन है, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है यही है यही है छाव धूप, और यही है अपनी तहरी की रेसिपी भी, थोड़े गम थोड़ी खुशियाँ। तहरी की रेसिपी बता के मैंने आपको कुछ धोखा सा दिया होगा, हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज यही बनाने का मन था, सच कहें थोड़ा आलस था, या फिर ये पहला एपिसोड था तो मैंने भी थोड़ा आसान रेसिपी सोची ताकि इस फलसफे पे ज़्यादा फोकस हो सके। अब वैसे भी तहरी इस फलसफे पे पूरी तरह फिट भी तो बैठ रही है। आई डोंट नो कि ये हैप्पी फूड है या सैड फूड है, लेकिन ये सेटिस्फाइंग फूड ज़रूर है। रोज़ रोज़ के दाल चावल की नीरसता जब भारी पड़ने लगे तो ऐसे में तहरी की ही ज़िंदगी में कुछ नयापन लाती है, कुछ नया परिवर्तन। वैसे मेरे पास तहरी से जुड़ी एक अलग सी कहानी है, तो बात बचपन की है, स्कूली दिनों की। क्लास में एक लड़का पढ़ता था, अनूप। अनूप की टिफ़िन में अगर हफ्ते के 6 दिन हैं तो 6 में से शायद 6 के 6 दिन तहरी होती थी, तहरी और साथ में एक आम का अचार। और वो टिफ़िन थी क्लास की जो मोस्ट सॉट, मतलब कि उसके टिफ़िन खुलते ही सब टूट पड़ते थे उस पर। जितनी देर में मैगी वाले मैगी के बनने का क्लेम करते हैं उतनी देर में अनूप की टिफ़िन खाली हो जाती थी। अनूप की वो तहरी लंच के मोटिवेशन का काम करती थी। ठीक है, तो अब रेसिपी के आगे बढ़ते हैं, आप अगला गाना सुनिए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए।
अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला 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 पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे खोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को तुझे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला 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 ला, ला। फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तो जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी दिल वाला होना ही है। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है आपको बड़े दिल वाला होना है। छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है, उनसे विचलित नहीं होना है, दुखों से, वो भी जीवन का एक हिस्सा ही है, जैसे बाकी सब कुछ चल रहा है। ज़िंदगी को स्वीकार करके उसे खुशी के साथ बहादुरी से जीना ही एक मूल उद्देश्य है। मुझे तो अपना मोटिवेशन मिल गया इस एपिसोड के माध्यम से, इस एपिसोड को करके। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए मैं क्या टॉपिक रखूं ये भी बता सकते हैं। सो इसी के साथ दिस इज़ मी अनुराग साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जो कि आपके प्यार और सपोर्ट पर डिपेंड करता है कब आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर आएगा। आखिरी गाने के साथ आपको छोड़ रहा हूँ। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। धन्यवाद।
रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। Thank you.
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही, ओ राही।